लोक कल्याण की कामना की पूर्ण आहुति के साथ वर्षगांठ का हुआ समापन। जी हां, आपको पता चले भंडारे में प्रसाद के लिए उमड़ी रही भीड़। भरुआ सुमेरपुर क्षेत्र में सुख शांति के साथ लोक कल्याण की भावना की अति आहुति के साथ गायत्री महायज्ञ की 65वीं वर्षगांठ का विशाल भंडारे के साथ समापन हो गया। प्रसाद पाने के लिए कस्बा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से आए हुए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी देखी गई। ब्रह्मलीन संत स्वामी रोटीराम महाराज नागा स्वामी ने वर्ष 1957 में कस्बे के निर्जन बोताहा स्थान पर विशाल गायत्री महायज्ञ कराकर मां गायत्री की स्थापना कराई थी। तब से यहां बुथा स्थान तपोस्थली के रूप में तब्दील हो गया। इस स्थान में प्रतिवर्ष अग्रहण मास में वर्षगांठ संपन्न कराई जाती है। गुरुवार को इस 10 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम का लोक कल्याण की कामना के साथ समापन हो गया। पूर्ण आहुति के बाद विशाल भंडारा संपन्न कराया गया। भंडारे में साधु संतों को प्रसाद ग्रहण कराने के बाद कस्बा वासियों को प्रसाद वितरण कराया गया। प्रसाद वितरण में राहुल पालीवाल, डॉक्टर नरेश शर्मा, नितिन गुप्ता, भगवान सिंह, बउआ द्विवेदी, अज्जू मिश्रा, स्पर्श, राधे शुक्ला, आल्हा सिंह सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधर कपिला पशु आहार के मालिक ने साधु संतों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मान विदा किया। मात्र
और मैं कंभोग का सेवा दल का व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता हूँ। ये विगत जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैं इसी प्रकार से जब से मैंने अपनी याददाश्त संभाली है, मैं लगातार यही देख रहा हूँ कि यहाँ पर तपोभूमि में प्रतिवर्ष की भारत यज्ञ होती है और श्री श्री 108 स्वामी रोटीराम बाबा ने यहाँ पर ये यज्ञ शुरू कराई थी। तब से लगाकर आज तक ये अनुरोध जारी है और सुमेरपुर वासियों के लिए तपोभूमि की आस्था का प्रतीक है। सुमेरपुर में तपोभूमि को लेकर सभी नगरवासियों के अंदर एक जोश रहता है कि हमें इस कार्यक्रम में भाग लेना है। आज उस महा अनुष्ठान का आखिरी दिन है, भंडारे का दिन है, यहाँ पर भंडारा वितरित किया जा रहा है। सभी नवयुवक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।